मैं लक्ष्मी हूँ या मनोरंजन का साधन? अगर हूँ मैं लक्ष्मी तो ये गंदी राजा क्यों? और अगर हूँ मैं मनोरंजन का साधन तो मैं मंदिर में क्यों? December 16, 2012 ये दिन तो आम था। सुबह जल्दी उठी, माँ बाबा का आशीर्वाद लिया और ऑफिस निकल गई। ऑफिस से आते वक्त अपने दोस्त के साथ मूवी देखने चली गई। मूवी बहुत अच्छी थी और मैं भी बहुत खुश थी। बस रात बहुत हो चुकी थी तो हमें कोई ऑटो नहीं मिला। मैंने सोचा कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए, इससे अच्छा बस से ही निकल जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है मेरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो कोई लड़की कभी देखना नहीं चाहेगी। वो चीखे जो किसी ने सुने हो या ना सुने हो, महसूस हर एक इंसान ने किए वो खून के चीखे जो मौजूद बस से हर एक चौकट तक। बहुत बहुत डर लग रहा था मुझे तो। उस बस में घुसते ही ना कुछ अजीब सा लगने लगा, मानो कुछ तो गलत है यहाँ पर। बस खैर आखिर में जो चाहते लड़के खड़े थे जिस तरीके से देख रहे थे वो सही नहीं था। मैंने मेरे फ्रेंड से तुरंत कहा चल चल दूसरे यहाँ से निकल जाते हैं। और वो जैसे जैसे ही बस रोके गया उन लोगों ने घेर लिया। और तब तक हमारा जब तक वो हाथ बनाना हो जाए। मैं बहुत तेज गति से गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चीखू चिल्लाओ या जल्दी बस से चल जाओ। और इतने में कुछ सोचती वो लोग मेरे तरफ पड़ने लगे। वो नजरें जो एक तक होकर मेरे भले को ही आ रही थी धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। मैं कुछ कर सकूं उससे पहले उन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े और मेरा पैर बहुत चीखी छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो। पर उस सुबह ने मेरी एक आवाज नहीं सुनी। शायद वो इंसान ही हम भाइयों को वीर कहते हैं ना, वीर को राखी बांधते हैं ना बहने, तो कहाँ थे वो भाई जब उनकी मेरी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद के लिए जट बटा रही थी। और कैसे थे वो भाई जब मैंने वीडियो तक कर पाया पर मेरी एक आवाज नहीं सुनी। पर आप लोगों ने स्टेटस तो डाले थे ना मेरे लिए, कैंडल मार्च भी निकाला था, तो क्या नया किया आप लोगों ने मेरे लिए? हाँ क्या नया किया? मेरा नाम अखबारों में ना देकर और क्यों किया ये सब? हाँ बताओ ना क्यों किया? इज्जत जो चली गई थी मेरी, बलात्कार वो अत्याचार मुझ पे हुआ और इज्जत मेरी कैसे चली गई? मुझ में तो आप ही वो संस्कार जो दिखे नहीं आपको। टोली उठानी थी मेरी मेरे मामा को, टोली उठानी थी मेरी, जिन्होंने उठाई मेरी हाथिया लाल चूना से सजाना था मुझे और पहना थी सफेद चादर। जब जब धरती पर जब जब नारी का अपमान हुआ है, हर वक्त एक युद्ध हुआ है, इस बात भी होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस युग में एक द्रौपदी थी और इस युग में हर एक घर द्रौपदी होगी। ये युद्ध कोई कौरव या पांडवों के बीच में नहीं होगा, ये युद्ध हमारियत और इंसानियत में भी होगा। और न्याय किसका होगा? ये आपका होगा। थैंक यू।